अच्छा पानी में सुना लिया कर का रिश्ता पक्का किया उन्होंने। चलो कोई अच्छे से पकौड़े वकौड़े बना लेना आज आपा के लिए। हमारे हाथ की बिरयानी आपा को बहुत पसंद है। चलो गोश्त की बिरयानी बनाना, चिकन विकन की मत बना लेना। लगता है तुम्हारी बीवी को बड़ा नागवार गुजरा मेरा यूं आना। वो नहीं आई दरवाजे पर सलाम करने, दरवाजा खोलने। लियाकत का रिश्ता तय किया खैर से। मैंने कहा मैं अपने भाई का मुंह मीठा कराऊं। स्पेशल गुलाब जामुन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मुझे पता है मेरे भाई को गुलाब जामुन बड़े पसंद है। हाँ अस्सलामुअलैकुम आपा, शद्दत लीजिए। लियाकत का रिश्ता तय हो गया। डिफेंस में रहते हैं वो लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपा, मुबारक हो। मैंने तो साफ बोला भाई ये मेहंदी वेहंदी के चक्करों में मत पड़ना, सीधा बारात और वलीमा करेंगे और खत्म बस। मैंने कहा भाई मैं अपने भाई टीपू से भी मशवरा कर लूं। हाँ भाई टीपू तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? अरे आपा, टीपू क्या बोलेंगे? जो आपने सोच समझ के फैसला लिया है उस पे हम सबको खुशी है आपा। अरे भाई तुम मामू हो ना, मामू की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, तो तुमने क्या पूरी करनी है? तुम वो बोल दो ना, उसके मुताबिक फिर मैं अपने आगे का फंक्शन तय करूं। तुम क्या देने वाले हो लियाकत को शादी पर? मुबारक हो तुम लोगों को। आई ना, आप खड़ी क्यों हैं बैठे? अरे मुन्ने से मुलाकात के लिए इतने सारे मेहमान आए हैं घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। आप तो जरा लेट आई है ना मुबारक देने। जब पैदा हुआ था तो बहुत प्यारा था और ज्यादा क्यूट था। अभी तो जरा कमजोर हो गया, पुटिया लगी हुई है ना इसको। क्या कह रही है? और राबिया बेटा तुम कैसी हो? अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, बच्चे के साथ साथ अक्सर माँ अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। दाल सब्जी सब दबा कर खाना। जी जी अपना ख्याल तो रख रही हूँ, बस इसको रेहान को मोशंस लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हूँ। आपने फिर इसका डायपर फिकवाया हरी हरी घास पे? कहते हैं ना कि डायपर फिकवाने से पोतियाँ ठीक हो जाती हैं बच्चों की। ये बच्चों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है ना। अच्छा तुम एक काम करना, हरी मिर्च लेकर ना उससे इसकी नजर उतारना। जी फिकवाऊंगी डायपर और मिर्चों वाला भी करूंगी। कब जाएंगे ये लोग और मुझे सोने देंगे? बस बस बस, खदीजा ये क्या रख के जा रही हो? इसका मैं क्या करूं? इसको पी ले भाभी, अंजुम खाला का फोन आया, स्पेशली उन्होंने रेसिपी दी है अम्मी को, इसको पिए। कहाँ फेंकूँ इसको, ये मैं नहीं पी सकती। नो शुक्र है मेहमान गए हैं। रेहान सो रहा है, मुझे भी सो जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और आ जाए। हाँ खदीजा क्या बात है? देसी घी की यखनी पीते ही नींद आ गई ना। अच्छा भाभी, अम्मी पूछ रही है रुबीना आंटी कितने पैसे देके गई है काके को। यार 1,000 देके गई हैं। ओ हाय, पता होता इतने कम देके जाएंगी तो चाय के साथ चीजें ही कम रख लेती मैं। मैंने भी ऐसे टेबल से जा दिया रुबीना आंटी के लिए कि 2 घंटे बैठी है इतनी खुशी से। वो तो बाद में मुझे पता चला मोहल्ले से कि उनकी नंद आई नहीं थी उनके घर, जान बचा के हमारे घर बहाने से आई थी। मैं देखू महीने बाद इनको याद कैसे आ गया कि काके की मुबारक देने जाना है। अच्छा भाभी, वो शमीम आंटी कितने देके गई हैं? उन्होंने 5,000 दिए हैं। अच्छा शमीम आंटी ने इस दफा दिल बड़ा की है। भाभी कोई गिफ्ट भी लेकर आई थी शमीम आंटी? मैं देख रही थी कोई लिफाफा भी था, कुछ डब्बा सा। हाँ वो सूट लेकर आई है मेरे लिए। अच्छा ये पड़ा है ना, मैं देख लूँ भाभी। भाभी ये तो बहुत प्यारा सूट है और ये आपको तो पूरा नहीं आना अभी। जब तक आपको नहीं आता मैं तो पहनू ना। चलिए आप आराम करें। वो देखो बेबी से कौन मिलने आई है, चाचू आए हैं चाचू। अरे हसन भाई चाचू बने जकूटा ना बने, इधर दे मुझे ये ले भाभी। हसन भाई ने इसको इतना डराया है, बुरी तरह से ये रोया है। चंगा भला क्या सी कि रिक्शा मंगा लेने आ, एडा तेज एसी लाया है ने ना बिल ले लेने। तू तो कहंदी सै कोई क्रीम वाली गड्डी है, क्रीम तो मैनू किथे इत्थे नजर नहीं आ रही। बस भाई इत्थे रोक दे
ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਗੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਰੋਕੇਂਗੇ, ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ਨ ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਕਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬੈਕਰੀ ਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਪੈਸੇ ਹਮ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਣੇਂਗੇ, ਹਮ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਬ ਰਾਈਡ ਲੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਦੇਖਾ ਅੰਮੀ, ਆਪਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪੇ ਹੋਣੀ ਥੀ ਇਹ ਬਚਤ, ਹਮਨੇ ਕੌਨ ਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯੇ ਗਾੜੀ ਮੰਗਵਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਂਟੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੀਰਾਨੀ, ਯੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਕੁਲਸੂਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਏ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ ਆਪ ਲੋਗ। ਲਾਓ ਭਾਈ, ਕਾਕਾ ਦਿਖਾਓ ਹਮੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ। ये तो पाजी रशीद जैसा है बिल्कुल। क्या नाम रखा इसका? रेहान। लो 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 लो, क्या चाहिए क्या चाहिए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? मामा खाना नहीं देनी, भूख लगी है। लाए मुझे दे दे आंटी। ओ, कितना रो रहा है ना ये, मुझे लगता है इसको डर लग रहा है। आप इसके सरहाने के नीचे कोई लोहे की चीज रखा करें, छुरी कांटा चम्मच ताला कोई ऐसी चीज। सब रखा हुआ है कुलसुम, प्लास्टिक लोहा गोल्ड सिल्वर एवरीथिंग। बेटा ये इसके सर को आपने क्या किया है? इसका पीछे से सर तो बिठाओ ना, ये तो ऐसे खड़ा हुआ पीछे से सारा। इसके मैं आपको बताती हूँ, आपने ना पीछे तकिया रखना है ऐसे कि इसका सर जो है ना नीचे की तरफ रहे, इसको करवट नहीं लेने देना बेटा। आंटी अब आप ही कुछ समझाएं, हम तो भाभी को इतना समझाते हैं, नासरा बाजी का भी फोन आता है, अम्मी भी कहती रहती है, लेकिन भाभी सुन लो, अब उनकी सुन लो। अस्सलाम वालेकुम, किधर है मेरा तरबूज, मेरा खरबूजा, मेरा गोभी का फूल? ओ, ओ, ओ क्या हो गया, आज इसका मूड नहीं ठीक लग रहा। राबिया इसको क्या हुआ है? असल में इसका डायपर चेंज होने वाला है, अब वो आप आई है तो मैं रुक गई हूँ, तो चले लाई मैं करती हूँ इसका चेंज, लाई मुझे पकड़ा। लो जी लो, आप अपनी मामा के पास चले जाओ, ये तो एकदम खरबूजे से करेला बन गया। उफ राबिया, इसको तो बहुत रैशेज हो रहे हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ इस पे क्या लगाओ। तुम्हें ना मैं सबसे आसान वाला टोटका बताती हूँ, क्योंकि अब इसको रैशेज हुए हुए हैं। तुम ना यहाँ सबसे करीब पाकिस्तान के ना अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में एक चोटी है सरगा, उस चोटी पे ना तुमने रेहान को गोद में उठा के चढ़ना है और तुमने 3 दफ़ा बोलना है लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, रैशेज गायब हो जाएंगे। और बेटा इसकी आंखों में सुरमा डालो, आपने इसकी नंगी आंखें रखी हुई हैं, और इसके ना ये जो भंवे होती है ना इसके ऊपर पेंसिल लगाओ ताकि शेप अच्छी बने। नासरा बाजी ने स्पेशल सुरमा भेजा है, भाभी लगाती नहीं। आंटी मेरा दिल कहता है जब ये बड़ा हो ना तो ये सब कुछ खाने वाला हो, खाने में ना नखरा करे। तो बेटा इसमें कौन सी कोई मुश्किल बात है, मैं आपको बताती हूँ बच्चों को बड़े होके हर चीज खाने की आदत कैसे दिलवाते हैं। आपने एक बड़ी सी प्लेट लेनी है बेटा, उसमें ना प्लेट में आपने 7 किस्म के मुख्तलिफ खाने डलवाने हैं, एक बिरयानी हो गई, कोफ्ते हो गए हैं, निहारी हो गई, दाल हो गई, मुख्तलिफ 7 किस्म के। फिर उसको रेहान को आपने गोद में लेके फिर आपने वो खाने हैं, देखना बड़ा होगा सारे खाने खाएगा माशाल्लाह। पता है मेरी अम्मी कहती थी बस कर दो बस, जब पाल नहीं सकते तो मशवरे क्यों देते हो? देखा देखा आप लोगों ने, मैं कहती थी ना भाभी शक्ल से ही मासूम है, इसीलिए तो इसके चक्कर में आके रिश्ता कर बैठे थे हम भाई का। बल्ले बल्ले बीवीर कर पुत्र।